बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करेंगे शुरू। आज हम बनाएंगे होममेड सोया सॉस, वो भी अपने घर में। तो होममेड सोया सॉस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनती है, इसके लिए जो है ना, मैंने ये एक चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च ले ली है, एक चम्मच मैंने नमक ले लिया है, एक चम्मच मैंने ये काली मिर्च ले ली है, और ये मैंने 8 टेबल स्पून मैंने ये चीनी ली है, और 1 कप जो है ना मैंने ये वाला पानी का ले लिया बड़ा, यानी कि बढ़िया ग्लास 1 कप। तो ये सिरका जाएगा 1/2 कप। तो अभी जो है ना इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये बनाना माशाल्लाह बहुत ही आसान है, इसका जो है ना बहुत ही प्यारा टेस्ट होगा। तो आप लोगों को पता है कि सोया सॉस हर चीज़ में जो है ना ये डाली जाती है रेसिपी में, तो रेसिपी के लिए जो है ना सबसे बेस्ट जो है ना वही सोया सॉस होती है जो होममेड अपने घर में तैयार की जाए। तो चूल्हा जला लेते हैं। चूल्हा जलाना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चूल्हा मैंने जला लिया। अभी इसके अंदर जो है ना ये चीनी ऐड कर लेंगे, 8 टेबल स्पून जो है ना ये मैंने चीनी ली है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। चूल्हा जो है ना बिल्कुल स्लो रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना इसको। तो ये देखें माशाल्लाह चीनी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है, बिल्कुल इसको जो है ना स्लो आंच पे बनाना है, तेज़ आंच नहीं करनी। ये सबसे पहले जो है ना ये लाइट होगी, फिर बाद में ये ब्राउन हो जाएगी, जब ये ब्लैक हो जाएगी तो हमारी जो है ना ये सोया सॉस तब तैयार होगी। फिर आपको बताएंगे कि ये सोया सॉस कैसे बनाई जाती है। तो ये देखें माशाल्लाह ब्राउन होना शुरू हो गई है, ये ब्राउन हो चुकी है। अभी जो है ना इसके अंदर ऐसे ही चम्मच को चलाते रहेंगे और इसे ब्लैक कर लेंगे। इसके अंदर जो है ना चम्मच ने रुकना नहीं चाहिए और इसे आराम से जो है ना चम्मच को चलाते रहना और बिल्कुल स्लो आंच पे बनाना। तो ये देखें माशाल्लाह ऊपर जो है ना इसके ये जग आना शुरू हो चुकी है। जब ये जग जो आती है ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये ब्लैक हो जाएगी। तो जब ये ब्लैक हो जाएगी तो हमारी सोया सॉस की चाशनी ये तैयार हो जाएगी। तो ये देखें माशाल्लाह ये ब्लैक हो चुकी है। अभी जो है ना चूल्हे को बंद कर लेते हैं, चूल्हे को बंद करके इसे नीचे उतार लेंगे। तो इसके ऊपर जो है ना अभी गर्म पानी 1 कप जो है ना वो ऐड कर देंगे। चूल्हा मैंने बंद कर लिया और इसको जो है ना अभी इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, ये वाला, ये मैंने 1 कप जो है ना पानी लिया। जब इसके अंदर पानी ऐड करना है तो आराम से करना क्योंकि ये ऊपर भी आ सकता है। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आराम से पानी को ऐड कर देना। पानी को ऐड करके फिर जो है ना इसको चूल्हे को जला लेना है और इसको ऐसे मिक्स करते रहना। ये देखें माशाल्लाह। तो ये देखें माशाल्लाह जोश आना शुरू हो गया पानी को, ये देखें बिल्कुल गुटलियाँ भी नहीं बनी। और ये गर्म पानी जब डालें तो ये इसके अंदर जो है ना गुटलियाँ नहीं बनती, तो ठंडा डाल देंगे तो इसके अंदर गुटलियाँ बन जाएंगी। तो ये देखें माशाल्लाह जोश आना शुरू हो गया। इसको जो है ना तकरीबन पकाएंगे 8 से 10 जोश आ जाएंगे तो ये हमारी जो है ना सोया सॉस बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसको ऐसे ही पकाते रहना। इसको जब इसके अंदर पानी ऐड कर लें तो फिर इसको जो है ना फुल आंच पे पकाना। तो जब एक दफ़ा पानी को जोश आ जाए तो उस टाइम जो है ना ये डाल देना है कूटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके पास कूटी हुई काली मिर्च है तो वो भी डाल सकते हो, अगर कूटी हुई नहीं है तो आप पाउडर भी डाल सकते हो। और इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको जो है ना 7 से 8 जोश जो है ना दिलाएंगे, फिर जो है ना हमारी सोया सॉस होममेड तैयार हो जाएगी। तो ये देखें माशाल्लाह सोया सॉस, ये देखें कितनी प्यारी बन चुकी है। ऐसे जो है ना इसको जोश जलाते रहना, फुल आंच पे जो है ना इसको जोश आने देना। तो माशाल्लाह जो है ना इसको 8 से 10 जो है ना जोश आ चुके हैं। अभी जो है ना चूल्हे को बंद कर देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसे ठंडा होने देते हैं। तो ये वाइट सिरका ले लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
ये आधा कप जो है ना वाइट सिरका ये ले लेंगे। ये मैंने आधा कप ले लिया, जब ये ठंडी हो जाएगी फिर इसके अंदर जो है ना इसको डाल देंगे, जो ना इसके अंदर वाइट सिरका वो ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसे मिक्स करके सोया सॉस जो है ना वो हमारी माशाल्लाह ठंडी हो चुकी है। अभी एक जी है ये ले लेंगे छाननी, एक बर्तन ले लेंगे, इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे। आप लोग कपड़ा भी ले सकते हो, अगर आपके पास बिल्कुल ये बारीक छाननी है तो ये भी ले सकते हो। अभी जो है ना इसके अंदर ये डालेंगे और भून लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी जो है ना हमारी सोया सॉस तैयार हो चुकी है। अभी जो है ना मैंने इसको भून लिया, ये देखें सारा मसाला जो है ना ये इसके ऊपर आ गया, बिल्कुल ये बारीक है, बिल्कुल ज़्यादा जो है ना मोटी नहीं है। तो ये देखें माशाल्लाह हमारी सोया सॉस बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अभी जो है ना इसको एक बोतल में डाल लेंगे, इसको जो है ना आप लोग फ्रिज के अंदर भी रख सकते हो, इसको जो है ना बाहर भी रख सकते हो, इसका कोई मसला नहीं है, ये ख़राब होने वाली नहीं है। तो माशाल्लाह ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमारी रेसिपी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यही जो है ना इस्तेमाल होती है। तो अपनी होममेड जो है ना तैयार करें सोया सॉस। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अस्सलाम वालेकुम ऑल माई फ्रेंड।